जय माँ उपराई की। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जग्गी ब्लॉग्स में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 9:30 बजे से, और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गौशाला से। अभी आ रखी हूँ मैं गौशाला गाय और बैलों को बाहर निकालने के लिए। अभी यहाँ गोबर रह गया है निकालने के लिए, गोबर निकालूंगी क्योंकि मम्मी आज जल्दी खेत चले गई थी पानी लगाने के लिए गेहूँ में, तो मम्मी ने गोबर नहीं निकाल पाई, मम्मी ना इनको बाहर निकाल पाई। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अभी धूप भी लग गई है, मस्त वाली धूप, और मैंने यहाँ गोबर निकाल दिया है। ये बाहर का गोबर मैं तब निकालूँगी जब मैं इनको दिन में पानी पिलाने आऊँगी, उसके बाद इनको अंदर बांधूँगी तो गोबर तब निकालूँगी। अब इसको भी नहलाना है और अभी चलते हैं हम घर। धूप तो आ गई है मस्त वाली, तो चलो चलते हैं घर। अभी देखते हैं क्या क्या होता है, चलो चलते हैं अभी घर। तो दोस्तों फाइनली मैं गौशाला पे पहुंच चुकी हूँ और इनको पिला रही हूँ पानी। पहले अपनी चुलबुली को आज नहाऊंगी, मैं नहलाऊंगी क्योंकि 3-4 दिन से नहाया नहीं है। और सीनू पी दिया अभी पानी। उधर पे देखो मेरे दो गोलू मोलू, इस पे देखो ये पानी नहीं पीता है दोस्तों, इसको पानी पीने के लिए मना कर रखा है ना। दोस्तों मैंने इसके सामने भी पानी की बाल्टी रखी थी और ये पानी नहीं पी रहा है, तो चलो मैं इस पानी को देती हूँ अब गोलू मोलू को, फिर उसके बाद पाइप लगाऊंगी इसको नहलाने के लिए। ले ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का है ये जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये देखिए इस चिमई को देखती मैं इससे। चलो बहुत हो गई मजाक मस्ती है ना, अब चलते हैं घर। आज बना रही हूँ मैं एक डिश, स्पेशल डिश। तो ये देखो ये है काले वाले भट्ट, और इसकी बनाऊंगी मैं आज भटवाणी। पहली बार बना रही हूँ आज, मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं पर ट्राई करना चाहिए है ना। ये है काले भट्ट, इसकी बनाऊंगी मैं भटवाणी। पहले इसको सिलबट्टे में बारीक करूंगी, ये देखो सिलबट्टे में, ठीक है इसको ऐसे बारीक पीसना है। ऐसे मम्मी ने सुबह रखा था भिगोने के लिए और पीसा जा रहा है, लगता है अच्छे से जीत चुका है। तो दोस्तों मैंने ये भट्ट तो पीस लिए हैं, लगता है मोटे हो रखे हैं, माटे मोटे, इस बारीक पीसा जाता है इसको, तो मुझे इतना ही आया। अब मैं इसकी भटवाणी बनाऊंगी, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें क्या क्या पड़ता है। मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को
तो दोस्तों चावल तो मैंने चूल्हे में रख दिए हैं, गैस में चला दिए हैं। अब बनाऊंगी मैं बाहर चूल्हे पे भट्ट की बटवानी। उसमें मैंने गर्म पानी रखा है, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए आप, मैंने गर्म पानी रखा है कंटेनर में, वहीं पे बनाऊंगी मैं भट्ट की बटवानी, भट्ट के डुबके जो भी होता है, क्योंकि वो उसको आग में बनाना पड़ता है ना, जितना उबलेगा उतना स्वादिष्ट होगा। तो चलो उसकी सामग्री तैयार करते हैं, क्या क्या चाहिए। पानी बनाऊंगी मैं लोहे की कढ़ाई पे, ये मैंने यहाँ पे चूल्हे पे रख दिया है और आग मस्त वाली जल रही है। इसमें डालती हूँ मैं तेल, तेल डाल दिया इसमें। और इसमें डालूंगी मैं लहसुन, और यहाँ पे देखो ये इसमें थोड़ा सा आटा वो कर रखा है पानी में। चलो अब इसको तड़के में डालते हैं। तो प्याज तो ब्राउन हो चुका है, लहसुन डालती हूँ। तो लहसुन भी हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसमें डाल दिया मैंने गर्म पानी। अब इसको ही ऐसे करना है। अभी से मैंने थोड़ा नमक मसाले इसको ना, हमें तीखा कम पसंद है तो मैं कम ही डालती हूँ। मैंने एक चम्मच भी पूरा नहीं डाला। ये देखिए इसको ऐसे घुमाना है। इसमें नमक और मसाला अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप, जैसा आपको पसंद है। किसी को तीखा तो दोस्तों जब तक ये उबलता है तब तक मैं गेहूँ साफ कर लेती हूँ। इसको जितना उबालोगे उतना टेस्टी होता है ये। और आग भी जल रही है मस्त वाली, ये देख सकते हो। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, 1 बज चुके हैं, और अभी मैंने ये गेहूँ साफ करने हैं। अभी तो बंदर नहीं है, फिर मैं इसको साफ कर लेती हूँ। तब तक वो वहाँ पे उबल रहा है, उबलने दो उसको, गेहूँ साफ करना है। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ पे मेरी मम्मी भी पहुँच चुकी हैं जंगल से। इतना भारी सिवटा ला रखा है, इतना बड़ा सिवटा, पता नहीं कितनी पुली ला रखी होगी। ये देखो यहाँ मजे से घास खा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे छोटा भाई थैला ले जा रहा है चक्की में। गेहूँ में फेटा मैंने बिसरी इतना गूंज ना दे गेहूँ में नहीं फेटा क्या नहीं फेटा। ये देखो दोस्तों चलो अब हम खाएंगे खाना। पापा ने तो खा लिया है और मैं और मम्मी रह गए हैं। भाई तो पता नहीं खा ला रखा है वरना ग्रास हो शायद दोस्त के साथ नगर समय में। बस अभी दड़ी तू गया जैसी मौसी गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर। बड़े बड़े पुले बांध रखे हैं देखो।